चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। 11 दिन से चल रहे डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा क्षेत्र के कांकरी डूंगरी पहाड़ी पर रीट के 1167 पदों पर एसटी के अभ्यर्थियों को आरक्षण की मांग को लेकर महिलाओं ने सरकार को चेताने के लिए एक अलग तरीके को अपनाया। गले में फांसी का फंदा लटकाकर सरकार को अपनी मांग मनवाने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया। वहीं 84 विधानसभा क्षेत्र के बीटीपी विधायक राजकुमार रोत भी मौके पर पहुंचे। क्या कुछ कहा विधायक ने, देखिए पूरी रिपोर्ट। करने वाली बात है कि आदिवासी इलाके से ये जो मांग उठ रही है, 1.5 साल हो गया, ये आदिवासी समाज के जो शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर 1167 सीटें हैं, अनारक्षित रिक्त पद पड़े हुए हैं और एसटी के जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनसे नहीं भरा जा रहा है। ये शर्म करने वाली बात है कि इस पहाड़ी पर 10 महीने पहले भी ये छात्र चढ़े थे और 12 दिन यहाँ पर धरना दिया था। उस समय दिसंबर का महीना था और कड़ी ठंड में उन लोगों ने यहाँ पर ये संघर्ष किया था। उस समय भी सरकार ने आश्वस्त किया और उन लोगों को उतार दिया गया था। और आज इस पहाड़ी पर ये बारिश का समय है और ये 10-11 दिन होने आ गए हैं और इस पहाड़ी पर ये लोग अपनी मांग को मनवाने के लिए इस बारिश में यहाँ भीग रहे हैं। आप देख सकते हो ये पूरा, जैसे कि जिस तरह ये बारिश हो रही है। और मैं भी आज इन लोगों को जो मांग है उनको समझाइश करने के लिए, सरकार तक इनकी मांग पहुंचाने के लिए, उनकी जो समस्या उनको सुनने के लिए इस पहाड़ी पर चढ़ा था। लेकिन यहाँ उनकी जो व्यथा है, उनकी जो व्यवस्था है, उनको देखकर मुझे भी बड़ा दुख हुआ। हम आदिवासी इलाके से अनेक पार्टियों में 17 विधायक चुन के जाते हैं, लेकिन आज तक हम सही ढंग से पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। ये जो बच्चे हैं इसमें महिलाएं भी हैं, कई गर्भवती महिलाएं हैं, कई छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ पर आई हुई हैं और ये 10-12 दिन से न यहाँ पर खाने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है। और ये पूरे राजस्थान में अगर बारिश का देखा जाए तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में सबसे तेज बारिश हो रही है इस समय। और इस समय ये लोग अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने और इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके लिए मैं इस मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों की जो पीड़ा है उनको समझे और इनका जो समाधान है जल्द से जल्द करे। अगर इस चीज़ का समाधान नहीं होता है तो पूरे आदिवासी इलाके में सरकार के प्रति अविश्वास हो जाएगा। और मैं 84 विधानसभा का विधायक होने के नाते पूरे उदयपुर संभाग के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, पूर्व हैं, वर्तमान हैं, किसी भी पार्टी के हो, उनसे गुजारिश करता हूँ कि इन लड़कों की जो मांग है उन मांग को हम सबको मिल के सरकार के सामने रखना चाहिए और इसका समाधान कराना चाहिए। ये भूल जाए कि ये कुछ लोग चढ़े हैं ऊपर और मांग पूरी हो या नहीं हो वापस हट जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है, मुझे भी प्रशासन ने कहा था कि MLA साहब इन बच्चों को समझाओ, मैंने भी समझाइश की कोशिश की। यहाँ खतरा है, रात को सांप निकलते हैं या अजगर भी निकलते हैं और पूरा जंगल का इलाका पहाड़ी इलाका है। लेकिन उनके आक्रोश को देखकर मुझे लग रहा है कि ये थक चुके हैं। आज 1.5 साल हो गया, सभी नेताओं ने आश्वासन ही दिया है और ये मांग अगर पूरी नहीं कराई उदयपुर संभाग के लीडरों ने तो ये युवा वर्ग है, ये युवा वर्ग का इन नेताओं पे, सभी पे, मैं भी आ गया इसमें, हम सभी पे विश्वास हट जाएगा और आने वाले समय में पूरे उदयपुर संभाग में उग्र आंदोलन होगा। और साथ ही अंतिम में सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि इनकी जो मांग है वाजिब मांग है, ये लोग परेशान हो रहे हैं, इसका जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाए। धन्यवाद। जोहर साढ़े मंत्री के लिए सरकार तेरी तमाचा ही
रहेगी। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। कह लो तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कह लो तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। शीघ्र नई खबर लेकर हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद। देखते रहें सागुड़ा लाइव न्यूज़ यूट्यूब चैनल।